हाय एवरीवन, इस वीडियो में आज हम एक नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि वो क्या प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो लेट्स सी हम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीप्लाई। ओके, सो हैव 2/3। हमारे पास 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब आप ये बताइए कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है ये अपने अपन को पता है ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इस केस में भी न्यूमिनेटर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है देन न्यूमिनेटर के। सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारा न्यूमिनेटर है ये भी हमारा न्यूमिनेटर है। जो ऊपर होता है वो न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर है एंड ये भी हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 = 6 और 3 × 4 = 12 आएगा। अब हमें ये करना है कि हमें सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, कैसे फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, हम HCF से क्या करेंगे, दोनों के बीच में ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे वही HCF कहलाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से कट जाएगा, तो 6। जब हम 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा, उसमें 12 भी आ जाएगा। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 = 6 एंड जब आप इसको 6 इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो ये और ये जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। ओके, तो स्टेप 1 क्या कहती है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। और स्टेप 2 क्या बोलती है कि सिंप्लीफाई योर आंसर। सिंप्लीफाई योर आंसर का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि आप ऐसा फॉर्म जब आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, नाउ लेट्स डू वंस अगेन। एक 5/6 है, एक 2/3 है। ये कौन से फ्रैक्शन है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, अपन ने ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी मुझे कौन सा फ्रैक्शन मिला, यहाँ पे भी मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। मेरा पहला वाला भी प्रॉपर है, दूसरा वाला भी प्रॉपर है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जब हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन का अनादर प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलता है। सो ये वाला भी देखते हैं, ये वाला भी हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाला भी हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10 होगा, यहाँ पे 6 × 3 = 18 होता है। अब ऐसी कौन सी टेबल पढ़ो जिसमें 10 और 18 आता है, तो जब आप 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 × 5 = 10 होता है और 2 × 9 = 18 होता है। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन का जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूमिनेटर अपॉन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक फॉर्मूला है। ओके, देन अब आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने ये पूछा है कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, 2/3 एंड 3/4। ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें मैंने अभी आपको सॉल्व कराया जिसमें 1/2 आया। तो ये जो फ्रैक्शन बना था ये अपना है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये चीज आप एकदम याद कर लो कि जो वैल्यू जो आएगी प्रोडक्ट की, अब ये वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब कि जब आप मल्टीप्लाई करके आपको ये जो फ्रैक्शन मिलता है ना सबसे एंड में, जिसका कोई आप जो और कट नहीं सकता, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फ्रैक्शन का वो वैल्यू होगी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो जो वैल्यू जो रहेगी प्रोडक्ट ऑफ दो प्रॉपर फ्रैक्शन की, अभी अपन ने देखा ये दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है।
सो मल्टीप्लाई करने के बाद इन प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलर रहेगी देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस. क्या बोला गया है? देन स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस का मतलब है हर एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उससे छोटा आएगा. कैसे? अब जरा देखो, ये अपना क्या है, 2/3 है और ये 3/4 है और ये 1/2 है. तो जो 1/2 जो फ्रैक्शन है वो इस 2/3 से भी छोटा है और इस 3/4 से भी छोटा है. ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इन दोनों से जिनसे अपन ने मल्टीप्लाई करा है उनसे कम आएगी. इसी प्रकार से ये क्वेश्चन इस ये कौन से तरीके का फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो इसमें अपना न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. यहाँ पे भी न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर भी अपना न्यूमिनेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है. तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और जब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 × 7 और 3 × 4 करा, 4 × 7 = 28 एंड 3 × 4 = 12 आ रहा है. ऐसी कौन सी टेबल होगी जिससे कि ये दोनों कट जाएगा? अपन को ये पता है कि 4 की टेबल में ये ऐसा आएगा कि दोनों चीजें कटी आएगी. तो ये 4 7 एंड ये 4 3 था. ओके, अपन ने जब इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करा तो अपन को जो फ्रैक्शन मिला है वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिला है. ओके, अब इसमें ये बोला जाएगा कि जो वैल्यू आएगी ना प्रोडक्ट की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो बड़ी आएगी देन द टू फ्रैक्शंस. ये जो दो फ्रैक्शंस है और इन दो फ्रैक्शंस की जो भी वैल्यू है ना उनसे बड़ी आएगी इसकी वैल्यू. जैसे 4/3 की जो वैल्यू आएगी और जो 7/4 की जो वैल्यू आएगी उनकी वैल्यू से इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी. अब मैम वैल्यू मतलब क्या, कैसे आप डिवाइड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि एक तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगी वो, बट शायद आप उस लेवल पे नहीं है समझने की, लेकिन मैं आपको जब भी समझाती हूँ ठीक है. ये है अपना 4/3, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन अपना 7/4 है और एक फ्रैक्शन अपना 7/3 है. अभी आपको ये फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला आया नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ हम ये पता कैसे करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है. मैंने आपको एक एक वीडियो बनाई है मैंने प्रीवियस में, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो पहले हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, पहले हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, फिर मैं ये वाला लूंगी ठीक है. पहले ये वाला एंड ये वाला. अपन क्या करते थे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो ये हो जाएगा 4 × 4 इक्वल्स टू, अपन बीच में अभी कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन को नहीं पता इन दोनों में से कौन बड़ा है. और 7 × 3 या 3 × 7 कुछ भी लिखो, 4 × 4 = 16 यहाँ पर आएगा और 7 × 3 = 21. कौन बड़ा है इन दोनों में से? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है. ओके, ये वाला बड़ा है तो अब इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत ही नहीं है. अब अपन देखेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है. तो इस केस में आप इधर से इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. तो यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा 7 × 3 = 4 × 7. ओके, सो क्या आंसर आएगा? 7 × 3 = 21 एंड 4 × 7 = 28. अब बताओ कौन बड़ा है यहाँ पे? 28. कौन बड़ा है इसमें से? ऑलरेडी ऑब्वियसली अपना कौन सा बड़ा आ रहा है? अपना ये वाला बड़ा आ रहा है. तो अपन को पता चल गया ये बड़ा आ रहा है. और ये कौन है? ये तो प्रोडक्ट करने के बाद आया है. तो अपन को इससे ये पता चल गया कि जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है देन इन दोनों के मुताबिक. आप यही चीज इसमें भी लगा के मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा आ रहा है. ओके, तो मैं ये आपकी चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेथड बताओ इसी तरीके से कि इसमें से छोटा कौन सा आएगा. ओके, सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो प्रीवियस वीडियो जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप उसमें जाके इसको और समझ सकते हैं. वहां पे मैंने दो फ्रैक्शंस के बारे में कंपैरिजन किया है, यहाँ पे आप
तीन से मैंने आपको बताया है, तो आप दो से करो, दो के बाद जो वैल्यू आए फिर उन दो से करो, कोई इश्यू ही नहीं है, दो हो चाहे तीन हो, कितना भी हो, इट डजेंट मीन एनीथिंग। ओके, सो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाचा बाय बाय, सी यू अगेन।